हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको अपना जो इंट्रो टेम्पलेट है वो मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत से भाइयों का जो है सवाल था कि मैंने किस तरह से अपना जो इंट्रो टेम्पलेट बनाया है, तो आज की इस वीडियो में मैं वो आपको बताने वाला हूँ। कि क्योंकि दोस्तों, ये जो टेम्पलेट है मैंने बहुत ही पहले जिस टाइम में मैंने अपना कंप्यूटर लिया था तो उस टाइम में बनाया था, और बहुत से भाइयों को जो है ये इंट्रो टेम्पलेट काफ़ी पसंद आया। तो बहुत से भाई जो है मुझसे सवाल कर रहे थे कि किस तरह से इंट्रो टेम्पलेट बनाया है उसका ट्यूटोरियल जो है आप दें, तो आज के इस वीडियो में मैं वही देने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आपके पास अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट है और या फिर कैमटेसिया स्टूडियो या कोई सा भी ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं, तो सिंपली जो है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आप किस तरह, मतलब फ्री इंट्रो टेम्पलेट जो भी है आपका, चाहे एडोबी आफ्टर इफेक्ट हो या फिर आप अगर हीट फिल्म है या कैमटेसिया स्टूडियो हो, तो कोई सा भी आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसका जो है फ्री इंट्रो टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं, और आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मतलब रिजल्ट मिल जाएंगे। और उसमें मेन प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो तो होते हैं मगर उनके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नहीं होता है, या फिर लिंक होता भी है तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के लिंक्स वगैरह जो है दिए जा रहते हैं, तो इस वजह से समझ में नहीं आता कि डाउनलोड का ऑप्शन कौन सा है और या फिर डाउनलोड कैसे करें, ठीक है ना। तो परेशानी की बात तो है मगर क्या करें, वो सारा चीज़ मैंने भी झेला है, और उसके बाद जो है मैंने जो है अपना टेम्पलेट जो है ढूंढ के निकाला था। तो काफ़ी समय हो गया है, तो उस वीडियो का यूआरएल भी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे पता नहीं, हिस्ट्री में भी मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की पर मुझे मिला नहीं। तो सिंपली जो है आपको मैं ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, और हो सकेगा तो मैं आपको जो है अपने डिस्क्रिप्शन में अपना वेबसाइट का एक लिंक दूंगा, तो हो सकेगा तो मैं आपको जो है उसमें देने की कोशिश करूंगा, और आप जो है अपने हिसाब से फ्री इंट्रो टेम्पलेट जो है ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सर्च किया है। तो यहाँ सर्च कीजिए कोई भी इंट्रो टेम्पलेट, और उसके बाद में जो है आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले फ्री इंट्रो टेम्पलेट ढूंढ लेना है। दोस्तों, अगर मैं अपनी इंट्रो टेम्पलेट की बात करूँ तो मैंने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बनाया है, और उस इंट्रो टेम्पलेट को जो है सही तरह से एडिट करने के लिए जो है उसमें आपको ऑप्टिकल फ्लेयर का जो ये प्लगइन है जो वीडियो को पायलट का है, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट, और उसमें जो है आपको वीडियो को पायलट का जो ऑप्टिकल फ्लेयर है ये प्लगइन जो है आपको इंस्टॉल करना है। तो यार कैसे इंस्टॉल करना है, क्या है, ये जो है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आपको बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मैंने जो है अपना टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड करके रखा था, उसको जो है मैंने सेव करके रखा है। सो गाइज, ये मैंने जो है काफ़ी सारे इंट्रो टेम्पलेट डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जिसमें से मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये है इंट्रो टेम्पलेट, इलेक्ट्रिक लोगो इंट्रो टेम्पलेट। तो सिंपली आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और आपको अगर मिल जाए तो ये कुछ इस तरह का आपको विनवर फाइल में जो है मिलेगा, ये देख सकते हैं। तो इसको जो है आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इस तरह का जो है आपको फोल्डर बन जाएगा। सिंपली अब जो है हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके इस इंट्रो टेम्पलेट को ओपन करते हैं। तो सॉरी, यहाँ जो है यहाँ तीन तरीके का जो है इंट्रो टेम्पलेट दिया गया है, तो प्रीव्यू इमेज में आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। तो पहला जो है इस तरह का आपको ये इंट्रो बनेगा, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो मैं जो है ये वाला टेम्पलेट जो है यूज़ करता हूँ, यानी कि पहला वाला जो टेम्पलेट है उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए पहले वाले पे क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ अगर फुटेज पे देखेंगे तो यहाँ आपको ये जो है लोगो मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जो है आपका एक लोगो भी होना चाहिए, आपका अगर यूट्यूब चैनल का या वेबसाइट का लोगो है तो उस लोगो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है ये लोगो जो है कंपनी का लोगो है, तो चलिए हम जो है इसको डबल टैप करके इसको एडोबी आफ्टर इफेक्ट में ओपन कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्री बना हुआ टेम्पलेट है। इसमें बस आपको कुछ चीज़ें जो है ऐड करनी है, कुछ चीज़ें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा इंट्रो टेम्पलेट है और इसमें जो है हमको मॉडिफिकेशन करना है। तो यहाँ चलिए मैं स्टैंडर्ड में यहाँ क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ जो है हमको प्ले का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ जो ये फुल है, आपको प्रीव्यू दिखाने के लिए जो है इसका थोड़ा क्वालिटी जो है मैं लो कर देता हूँ, क्योंकि हाई क्वालिटी में ये आपको जो है रेंडर में काफ़ी स्लो होगा। तो ये देख लीजिए, ये जो है कंपनी का टेम्पलेट है, कंपनी का डिज़ाइन किया हुआ टेम्पलेट है। इसमें जो है हमको हमारा जो है इंट्रो बनाना है, इसमें एडिट करना है। तो हमारा जो लोगो है और जो टेक्स्ट हम जो चैनल का नाम जो यूज़ करेंगे उसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आ रहा है। सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है इसमें साफ लिखा हुआ है कि डोंट एडिट, मतलब इसमें हमको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और ये वाला जो है अपना लोगो प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको सिंपल क्या करना है, ये हमारा PNG है जो मैंने आपको उस फोल्डर में दिखाया था। सिंपली आप यहाँ से जो है अपने माउस पे राइट क्लिक करके यहाँ से आप रिप्लेस फुटेज जो है कर सकते हैं, यानी कि आपका फुटेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा चैनल का दो लोगो है, तो कोई सा भी एक लोगो जो है हम सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर देते हैं। अब दोस्तों बस इतने ही काम है और हमारा जो लोगो है वो यहाँ आ गया है। आपको मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है मैं प्रीव्यू करके दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ देखिए हमारा जो है लोगो आ गया है, ठीक है। इस तरह से हमारा लोगो आ गया है। और यहाँ पर अगर आखिरी में हम जाएं तो यहाँ पर आपको जो ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो इस टेक्स्ट की जगह में जो है टेक्स्ट की जगह में हमको हमारे चैनल का नाम जो है इंटर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये तो हमारा PNG हो गया चेंज। इसके बाद में यहाँ लोगो प्लेस इस वाले ऑप्शन में प्लेस होल्डर जो है, लोगो प्लेस होल्डर, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप यहाँ से भी जो है आपको ये आपका इमेज आ गया है, जो आपने आपका जो टेम्पलेट है लोगो जो है वो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में आपको जो है ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने कीबोर्ड पे बैक जो है स्पेस मार दीजिए और आपका जो चैनल का नाम है उसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं कैप लॉक जो है ऑन कर देता हूँ और अपना चैनल का नाम एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो है चैनल का नाम भी इंटर हो गया है। आप चाहें तो यहाँ से इसको जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारा यहाँ टेक्स्ट पे सिलेक्ट है, तो यहाँ से हमको जो है सिलेक्शन टूल पे चले जाना है। और यहाँ से आप चाहें तो अपना जो है इंट्रो का टाइटल है इसको छोटा बड़ा या कुछ भी मतलब जो है आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैप लॉक ऑन है इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो आपको भी अगर ऐसा दिखाई दे तो देख लीजिएगा कि आपका कीबोर्ड में कैप लॉक जो है वो ऑन ना रहे, तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से जो है आप जो कुछ भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको, और यहाँ से भी आप अगर चाहें तो यहाँ से अपना जो इमेज है सॉरी जो लोगो है इसका भी साइज़ जो है आप कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ ये हमारा जो है ये वाला अभी फोल्डर है, यानी कि ये वाला कॉम्पोजिशन है। तो इस कॉम्पोजिशन में आएंगे तो यहाँ हमको जो है फाइनल व्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनल व्यू जो है आप देख लेते हैं। अब यहाँ हमारा जो है जो लोगो है वो थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है और हम चाहते हैं कि इसको बड़ा करना, तो यहाँ से फिर इस फोल्डर में जाके हम अपने लोगो पे क्लिक यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑलरेडी स्केल है। अगर नज़र नहीं आ रहा है तो आप जो है अपने कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे तो आपको स्केल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जो है आप स्केल पे स्केल को जो है कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ अब जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये सेट हो जाएगा, जितना आप वहाँ रखे होंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा।
यहाँ से चलिए हम यहाँ फुल पे क्लिक करेंगे तो अब जो है हमारा इंट्रो जो जो क्वालिटी है वीडियो का क्वालिटी वो बढ़ जा रहा है। तो ये सिर्फ प्रीव्यू करने के लिए है, आप अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों हमारा जो है इंट्रो टेम्पलेट हो गया है रेडी और ज़्यादा समय भी नहीं लगा। और फिलहाल जो है इसमें आपको अगर देखेंगे तो इसमें म्यूजिक वगैरह जो है नहीं है, आप यहाँ चाहें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जो है आप जो भी लगाना चाहते हैं म्यूजिक वगैरह जो है ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में जो है हमको इस को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ कॉम्पोजिशन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम ऐड टू रेंडर क्यू, और दोस्तों यहाँ से जो है आउटपुट मोडियम में यहाँ क्लिक करेंगे और हमको कौन सा फॉर्मेट करना है। तो दोस्तों मैं जो है MP4 फॉर्मेट में जो है एक्सपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं क्विक टाइम सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ अगर हम फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ फ़िलहाल जो है एनिमेशन दिखा रहा है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और ये जो है ये MP4 फॉर्मेट है H.264, ये जो MP4 का है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो है इससे जो कम वाला है ये MP4 में थोड़ा लो क्वालिटी में आएगा, ये थोड़ा हाई क्वालिटी का है, तो इसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके प्रेस कर देंगे, यहाँ से फिर ओके। उसके बाद में दोस्तों आउटपुट तो कहाँ हमको इसको सेव करना है वो हमको यहाँ से हम चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ जो है एक एस इंट्रो लिख देता हूँ। यहाँ से आप चाहें तो अपना फोल्डर जो है कहाँ पर आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो चलिए मैं इसको डेस्कटॉप में कर देता हूँ ताकि मेरा जो एक्सपोर्ट फाइल है वो डेस्कटॉप में डायरेक्ट शो हो, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम जो है यहाँ रेंडर पे क्लिक करेंगे और हमारा जो इंट्रो टेम्पलेट है वो रेंडर होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये हाई क्वालिटी का इंट्रो टेम्पलेट है, तो रेंडर में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको जो है तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को जो है पॉज करता हूँ। सो गाइस हमारा जो है रेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और चलिए मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हमारा जो इंट्रो टेम्पलेट कहाँ गया, तो ये है, तो हमारा इंट्रो टेम्पलेट जो है आ चुका है। चलिए हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये हमने जो है लाइव आपको मैंने पूरे वीडियो में कंप्लीट बता दिया है कि किस तरह से मैंने जो है अपना टेम्पलेट बनाया था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरह का जो है Adobe After Effects का ट्यूटोरियल जो है मैं लाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।